में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रचना। आज की वीडियो मैं बहुत उम्मीद के साथ बना रही हूं कि शायद मेरा ये संदेश, मेरा ये सुझाव या मेरी ये बात आप सरकार तक पहुंचा सकें, क्योंकि पिछले 50 दिनों में मैंने काफी कोशिश की पर मैंने अपना ये सुझाव और अपनी ये बात मैं सरकार तक नहीं पहुंचा सकी। अभी देश में दो समस्या सबसे ज्यादा बड़ी है, जिसके बारे में हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे राजनीतिज्ञ सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहली समस्या है मजदूरों का पलायन। तो बिना किसी पक्ष विपक्ष के बात किए हुए, बिना किसी राजनीतिक झमेले में पड़े हुए, मैं सीधा सीधा इसका समाधान बताऊंगी। और अगर आपको ये समाधान वाजिब लगेगा और आपको लगेगा कि ये ऐसा ही करना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड जरूर करिएगा, ताकि मेरा ये सुझाव सरकार तक पहुंच सके। पिछले 50 दिनों में हम सब ने टीवी के थ्रू मजदूरों की हालत देखी, मजदूरों का पलायन देखा। और सरकार के डेटा के अनुसार, डाटा जो सरकार ने बताया उसके अनुसार, टोटल 8 लाख मजदूर हैं भारत में, प्रवासी मजदूर, जबकि यह डाटा कुछ और है, वो है 8 करोड़ मजदूर। अभी तक 8 करोड़ मजदूरों ने पलायन नहीं किया, यानी हमारे पास अभी एक उम्मीद है बाकी मजदूरों को बचाने के लिए। तो मजदूर पलायन क्यों कर रहे हैं, इसका भी कारण आप लोगों को पता होगा, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है। दूसरी, अगर खाने की व्यवस्था कहीं है भी, कोई अगर व्यवस्था कर भी रहा है, तो उसे लोकेशन नहीं पता है कि मजदूरों को कहां पर जाकर के खाना देना है। तो बेसिक समस्या क्या है, उन सारी चीजों का मिसमैनेजमेंट। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतर सुझाव है, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई सरकारी स्कूल जरूर होगा, या फिर हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेलवे स्टेशन जरूर होता है। मैंने पिछले सुझाव में भी एक बार ये बताया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्टेशन है, मजदूरों को जिस तरह से सरकार अनाउंस करती है, उसी तरह से मजदूरों के लिए भी सरकार ये अनाउंस कर दे कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट में है जो भी मजदूर, वो उस डिस्ट्रिक्ट के स्टेशन पे इकट्ठा हो जाए। वहां पे अगर कोई ट्रेन लगी हुई है, तो अगर रातों रात ट्रेन में अस्पताल की व्यवस्था की जा सकती है, COVID-19 के लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जा सकती है, तो मजदूरों को रोकने की भी व्यवस्था की जा सकती है। ट्रेन में प्रॉपर बर्थ होते हैं, इसके अलावा बाथरूम होता है, तो मजदूरों को वहां रहने की व्यवस्था की जा सकती है। और मजदूरों तक खाना पहुंचाना भी आसान होगा, क्योंकि एक फिक्स टारगेट होगा कि उस डिस्ट्रिक्ट के सरकारी स्कूल या उस डिस्ट्रिक्ट के रेलवे स्टेशन के पास खाना लेके जाना है। इससे फायदा क्या होगा, एक तो मजदूरों का पलायन रुक जाएगा, जिसके कारण वो खुद भी खतरे में है और बाकी लोग भी खतरे में है, क्योंकि अगर भारत के गांव तक कोरोना पहुंच गया तो फिर देश की स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, इससे फायदा यह होगा कि उस डिस्ट्रिक्ट के अगर कुछ और लोग हैं जो मजदूरों की हेल्प करना चाहते हैं, चाहे पैसे से, चाहे खाने से, चाहे कपड़े से, उनको एक फिक्स्ड लोकेशन पता होगी कि उनको हेल्प लेके यहाँ जाना है। अभी क्या है, मजदूर पलायन कर रहे हैं और लोगों को पता नहीं कि किस रास्ते से मजदूर जाएंगे, तो उन तक खाना नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर स्टेशन पता होगा कि मजदूर सारे उस डिस्ट्रिक्ट के वहां इकट्ठा है, तो बाकी लोग उन लोगों की मदद करने के लिए स्टेशन पे सामग्री पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में हर कोई मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तीसरी सबसे अच्छी बात कि मजदूरों को पलायन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी बेसिक समस्या क्या है, उनको खाना नहीं मिल रहा है। और वो ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि घर जा करके भी, अपने गांव पहुंच के भी उनको कोई प्रॉपर खाना नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहां भी हालत ऐसी ही है। तो बजाय ये कि वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पलायन कर जा रहे हैं, उनको एक रहने की जगह मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा, तो वो रुक जाएंगे। ये एक बेहतर समाधान है वर्तमान स्थिति में मजदूरों के पलायन को रोकने की, क्योंकि ये जो है एक त्रासदी का रूप ले रही है। अगर आप रोज समाचार सुनते होंगे तो सच में आपके रातों को नींद आना बंद हो जाएगी। जिस तरह से मजदूरों के हालात दिखाए जा रहे हैं, मेरी नींद उड़ चुकी है और मैंने बहुत तरह से कोशिश की ये संदेश, ये सुझाव पहुंचाने की, तो प्लीज इसको आप पहुंचाइए। अब मैं आपको दूसरी समस्या के बारे में बताती हूँ। दूसरी समस्या, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जिनकी चल रही है ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास, आपको भी पता होगा कि देश में जितने लोगों के पास मोबाइल, वो भी स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन है, उससे ज्यादा लोगों के पास क्या है, टेलीविजन है। तो परसेंटेज वाइज टेलीविजन वालों की संख्या ज्यादा है। ऑनलाइन क्लास से बेटर ऑप्शन है टेलीविजन। 24 घंटे का एक एक न्यूज चैनल है, 24 घंटे के अकॉर्डिंग अभी न्यूज चैनल्स के पास न्यूज नहीं है, तब भी वो 24 घंटे न्यूज को दिखा रहे हैं, चाहे रिपीट दिखा रहे हैं, चाहे एक ही टॉपिक को खींच खींच के दिखा रहे हैं। इससे अच्छा गवर्नमेंट अभी एक काम कर सकती है कि सारे न्यूज चैनल्स को बांट दे। बांटना इन द सेंस कि हर एक न्यूज चैनल को एक क्लास के लिए 3 घंटा दे दे, कि वो अपने न्यूज चैनल पे 3 घंटे क्लास 1 की क्लासेस दिल आएगी, किसी एक टीचर, 2 टीचर को हायर किया जाए, एक चैनल को जैसे एबीपी को दे दिया जाए क्लास 2, दूसरे चैनल को दे दिया जाए क्लास 3, आज तक को दे दिया जाए क्लास 4, इस तरह से करके 12th बोर्ड तक की पढ़ाई हर चैनल पे की जाए, क्योंकि प्राइवेट चैनल बहुत है।
अब रही बात कि हर बोर्ड की पढ़ाई अलग अलग होती है, तो हर स्टेट का भी अपना एक चैनल है, जैसे छत्तीसगढ़ का चैनल है, यूपी का चैनल है, एमपी का चैनल है, बिहार का चैनल है, तो वो चैनल अपने बोर्ड की पढ़ाई कराए, जैसे कि बिहार बोर्ड वाले पढ़ाई जो होती है वो बिहार वाले चैनल पे किया जाए। इससे क्या फायदा होगा, सबसे पहले जो लोग मोबाइल पर डिपेंडेंट है और एक मोबाइल से तीन तीन चार चार बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके आंखों पर असर हो रहा है, वो परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये बच्चे और ये मजदूर ही हमारा फ्यूचर है और दोनों खतरे में है। दूसरा कि पेरेंट्स जो हैं जिनके पास पैसे नहीं है मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए और तीन तीन चार चार बच्चे हैं और एक ही स्मार्टफोन है, उन लोगों को दिक्कत हो रही है, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तीसरा, टेलीविजन ऑलमोस्ट सभी के घर में है, टेलीविजन पे जिस तरह से क्लासेस चलती है उस तरह से लाइव पूरी क्लास देखने पे बच्चों को भी इंटरटेनमेंट, पढ़ाई करने में मन लगेगा, बच्चों के आंख पे जोर नहीं पड़ेगा, 3 घंटे की पढ़ाई फिक्स होगी और इससे चैनल का जो टीआरपी है जिसका उन लोगों को सबसे ज्यादा चिंता होती है, वो टीआरपी पे भी असर नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत हैं जिनको पढ़ने की अभी सख्त जरूरत है। तो चैनल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अभी हो सकता है, क्योंकि सही मायने में न्यूज को बार बार दिखाने से अच्छा है कि उसको भारत का भविष्य बनाने में काम किया जाए। तो 3 घंटे का समय आप भारत के भविष्य यानी कि हमारे बच्चों को दे सकते हैं। तो मेरे ये दो सुझाव दोनों के ही भारत के भविष्य से जुड़े हुए हैं, एक मजदूर और दूसरा बच्चे, एक ऑनलाइन क्लास और दूसरा मजदूरों का पलायन को कैसे रोका जाए। प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए अगर आपको ये दोनों सुझाव वाजिब लगते हैं तो। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप मेरे चैनल को प्लेलिस्ट को देखिएगा, मेरा इस चीज से कोई भी जुड़ाव नहीं है, बस मेरी नींद उड़ी हुई है, मैं सोच सोच के परेशान हो गई कि मैं कैसे अपनी बात को वहां तक पहुंचाऊं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ना ही किसी तरह के प्रचार के पढ़ने के लिए, ना ही किसी तरह की राजनीति से जुड़ने के लिए, और ना ही मेरा किसी पक्ष या विपक्ष से कोई मेरा जुड़ाव है, इसलिए ये सिर्फ मेरी इंडिविजुअल थॉट है, मेरा इंडिविजुअल व्यू है जो आप मैं दूसरों तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो प्लीज अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर जरूर करिएगा।